नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, आंगनबाड़ी में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। केवल इसमें महिलाएं आवेदन कर सकती है। अगर आप 12वीं पास है, 10वीं पास है, ग्रेजुएशन कंप्लीट, आप इसमें आवेदन जरूर से कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के आधार पर, रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, जो कि नॉर्मल फीस आपको पे करनी है। कितनी फीस पे करनी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन आवेदन है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या, सभी जानकारी ए टू जेड जानकारी पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अपनी दोस्त सहेलियों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है। केवल महिला इसमें आवेदन करती है, अपने फ्रेंड्स को जरूर वीडियो शेयर करिए, ताकि अगर वो उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दीजिए। नोटिफिकेशन कहां पर मिलेगा उसकी जानकारी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी वेबसाइट पे है gornews24 लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, आपको जो है पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको फॉलो करने का ऑप्शन दिया जाएगा, हमारी वेबसाइट को आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट फॉलो करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी में 497 पदों पर भर्ती निकली है, 12वीं पास, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चले जाना है एंड यहाँ पर आपको जो है वो यह भर्ती बात करें दोस्तों, यह भर्ती उत्तर प्रदेश में निकली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पदों पर भर्ती निकली। उम्मीदवार यूपी आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट बाल विकास up.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत गोंडा में 243 और देवगिया में 254 पद भरे जाने हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का इसमें पद रखा गया है दोस्तों, और आवेदन स्टार्ट हो चुके थे इसके 14/10/2024 से, इन 5/11/2024 इसकी लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क की बात करें तो बिल्कुल निःशुल्क है। सभी कैटेगरी ST SC EWS OBC जनरल सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन बिल्कुल निःशुल्क, किसी को एक रुपए भी पे यहाँ पर नहीं करना रहेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो कुल पद कितने हैं, तो 2497 पद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ये पद हैं, तो बेलसर एक गांव ग्रामीण क्षेत्र, ये टोटल 17 गांव हैं जिसमें, ये ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें पद निकाले गए हैं। बेलसर में है, परसपुर में है, वजीरगंज में है, मनकानपुर में है, छबिया में है, नगर में है, पड़ली कृपाल में है, मुजेहना में है, हलधर्म में है, कटरा बाजार में है, नवाबगंज में, कर्नलगंज में है, तरबगंज में है और झंझरी में। इसे टोटल 17 ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर यह भर्ती निकली है दोस्तों। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इन 17 ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आप रहते हैं इन सब, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आवेदिका की आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर और 35 वर्ष से नीचे हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होनी चाहिए। अगर आप 12वीं पास है, 10वीं पास है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदिका को रिक्त ग्राम पद के ग्राम पंचायत वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। जैसे कि ऊपर हमने बताया कि 17 जो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर आप उसके स्थायी निवासी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं, तो आधार कार्ड, 10वीं का प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, पहचान पत्र यानी कि आपका वोटर कार्ड। उसके बाद आप बात करें तो ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, पद से संबंधित शैक्षणिक योग्यता और उम्मीदवार के सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको 8,000 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी, उसके बाद आपको सैलरी जो बढ़ाई जा सकती है आपकी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होना है, मेरिट लिस्ट के बेसिक पर आपका सिलेक्शन होना है। आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट बाल विकास up.gov.in पर आपको चले जाना है। होम पेज पर रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको फिल कर देना है एंड अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र टैब पर क्लिक कर देना है, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, फीस का भुगतान करके फॉर्म जमा कर देना। फीस निःशुल्क है इसलिए आपको फीस जमा नहीं करनी है, और इसका प्रिंटआउट लेकर रख लेना है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट,
जैसे वो ऑफिशियल वेबसाइट करोगे, आप यूपी के बाल विकास एवं पुष्टार विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पेज पर चले जाओगे, ठीक है। और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।